तो सबसे पहले बेटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ऑल इंडिया 2012 में आया हुआ है। देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन अटोमिक साइज विद इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, गिव रीजन। कहते जी अटोमिक साइज में इतना इंक्रीज नहीं होता अटोमिक नंबर इंक्रीज करने से, क्यों? ये अभी तो रैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात ही नहीं करी हमने, सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज की बात करी है। फोर एफ कहाँ से आ जाएगा बेटे? मैंने आपको कोई 4F 5F की बात करी है? मैंने सीधा आपको पूछा है देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन अटोमिक साइज विद इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, गिव रीजन। कोई भी जल्दी जो पढ़ के आया है, कहते हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है जी? क्योंकि मैग्नीज के बाद रिपल्शन शुरू होनी शुरू हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बेटे, पर उतना डिक्रीज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है? बीच में आके पेयरिंग शुरू हो जाती है। कल मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करवा ली है, मैंने कल भी मैंने कहा था जब भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं कॉन्फ़िगरेशन खोल लिया करो। ओपन योर कॉन्फ़िगरेशन, हरी अप, स्कैंडियम टू जिंक करी थी ना कल, चलो ठीक है जी। द रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डजंट इंक्रीज एज मच जैसे इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि देयर पेयरिंग विल स्टार्ट आफ्टर मैग्नीज। जब मैग्नीज में पेयर, मैग्नीज के बाद क्या होता है, पेयरिंग शुरू नहीं हो जाती, आयरन में 26 होती है, तो वहां पे रिपल्शन शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इतना डिक्रीज नहीं आएगा, ये इतना इंक्रीज नहीं आएगा, वो बैलेंस आउट हो जाता है। एक तरफ रिपल्शन हो रही है, एक तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, समझ रहे हो? एक तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना एक एक करके, और एक 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 तरफ पेयरिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। पेयर होने से क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी, उधर से न्यूक्लियस खींच रहे, उधर से रिपल्शन बढ़ रही है। तो हम कहते हैं भी इट इज हार्डली एनी इंक्रीज इन अटोमिक साइज, अटोमिक साइज में इंक्रीज नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी लग रहा है साथ साथ, समझ आ रही है? On what ground you can say the scandium is transition element not zinc? ये भी All India 2010 का और NCERT exemplar का question है। हाँ जी, scandium कहते हैं transition element है मगर zinc नहीं है, किस ground में बताओगे जल्दी? Full नहीं बेटे, half filled भी नहीं बोलना, ये मैंने गलत करना पेपर में, half filled। हाँ, इनकम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड, ट्रांजिशन होते हैं, ये नहीं बोलते कि हाफ फिल्ड है या कुछ है, इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शली फिल्ड। अब स्कैंडियम में हमें पता है कि D1, स्कैंडियम क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है आपने, 3D1 4S2 है, ठीक है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने होगी तभी ये अटेम्प्ट कर पाओगे सारे क्वेश्चन। तो 3D1 4S2 से 3D1 विच इज Not fully filled, or we can say it is partially filled, or we can say it is incompletely filled. So it must be considered as transition element. अब zinc को देखो तो वो क्या होता है, 3D10 4S2, अगर दो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तब भी 3D10 रहेगा, समझ आ रही है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है बेटे ग्राउंड स्टेट या किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो। तो जिंक का 3D10 4S2, जिंक क्या होता है 3D10 4S2, अगर मैं जिंक 2 पॉजिटिव भी बना दूं तब भी 3D10 ही रहेगा। तो आप बोलोगे जिंक क्योंकि अपनी ग्राउंड स्टेट में और अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि उसकी 2 पॉजिटिव होती है उसमें भी उसका डी कंप्लीट है, अकेला आप ग्राउंड स्टेट का कंसेप्ट नहीं लिख के आओगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में यही आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखे। तो आपने दोनों पॉइंट्स बोलने हैं कि जिंक को चाहे आप ग्राउंड स्टेट में देखो,
चाहे आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, उसका कभी भी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होता। समझ आ रही है? नहीं होता बेटे, भरा हुआ होता है। पार्शियल फिल्ड होता है अभी तो इनकम्प्लीट या पार्शियल क्या होता? आधा बचा हुआ। ट्रांजिशन वो में भी इनका पार्शियल होगा। हाँ, इनकम्प्लीट होगा या पार्शली फिल होगा, पूरा फिल नहीं होगा, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जिंक को नहीं कंसीडर कर सकते ट्रांजिशन में, क्योंकि ये D10 ही है। ठीक है जी। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल अच्छा, मैग्नीज द डी ऑर्बिटल फुल है, की रीजन दे रहे हैं। तो मैग्नीज की +7 भी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हो, +2 भी बोलते हो ना, तो क्योंकि इनमें डी और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीज में अगर क्या होता है, मैग्नीज 3D5 4S2, अगर एस के अकेले पार्टिसिपेट करेंगे तो +2 हो गया, डी के पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएंगे वैसे ही +3 +4 +5 +6 और +7 वाली स्टेबल हो जाएगी। वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में और डी वाले भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एंड एस डी कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कॉपर है, कॉपर क्या होती है, साथ में ये कॉपर क्या होती है, 3D10 4S1। अगर एस का अकेला पार्टिसिपेट करे तो कॉपर +1 है, अगर डी का भी पार्टिसिपेट करे तो कॉपर +2 है। ऐसे ही आयरन है, आयरन 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव भी होती है। आयरन क्या होती है, 3D6 4S2, अपने सामने होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। ओके, तो 3D6 दो एस के निकल जाते हैं तो F2 पॉजिटिव बन जाता है, एक डी का और निकल जाता है तो Fe3 पॉजिटिव बन जाता है। समझ आ रही है? तो एस और डी के दोनों के क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ जी, आगे जी। लैंथेनॉइड फॉर्म प्राइमरी +3 आयंस व्हाइल एक्टिनॉइड यूजली हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड +4 और इवन +6 बीइंग टिपिकल गिव रीजन। लैंथेनॉइड कहते हैं जी, सरल हिंदी में सुनो, लैंथेनॉइड कहते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आते आप दे दो। ठीक है जी। जो एक्टिनॉइड है वो हायर भी शो करता है, जैसे कि +4 या +6 भी, टिपिकली उसकी +6 होती है। आपने इसका रीजन देना है बेटे। लैंथेनॉइड में जो ऑर्बिटल इसके एफ एस और डी वाले हैं ना, उनकी एनर्जी कंपेयरेबल होती है, मतलब सेम होती है एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, कल मैंने लैंथेनॉइड की, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को ये चीज नहीं दिखी होगी, हमने ऑफलाइन वालों ने लैंथेनॉइड की ब्रेक में कॉन्फ़िगरेशन करी थी, करी थी। अब जरा लैंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो जो आपने करी थी। तो आपने देखा था कि 5D में इलेक्ट्रॉन था, 6S में था, ठीक है जी, 4F में था, ठीक है जी, 3 में थे ना। वैसे एक्टिनॉइड भी 3 में ही होते हैं, एक्टिनॉइड भी ऐसे ही 3 में होंगे। तो एक्टिनॉइड में 3 में 5F 6D और 7X हो जाएगा। ठीक है, एक आगे कर दो। अब ये जो होते हैं 5X 6D और 7S, इसकी जो एनर्जी है एक जैसी होती है, कंपेरेबल का मतलब एक जैसी होती है। तो कभी एफ में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, डी में से भी निकल सकते हैं, एस में से भी निकल सकते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो जाती है। समझ आ रही है? उनकी केस में जो बाहर वाला एस पड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं लैंथेनॉइड में, और एफ में से निकल सकते हैं। डी में तो 1 2 3 ही है डी वाले, पहला पड़ा है, दूसरा पड़ा है लैंथेनॉइड, पर सीरियम पड़ा है, फिर गॉड को दया आ जाती है गैंडोलियम, फिर लास्ट में पड़ा है ल्यूटेटियम डी वाला बस, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। 3 है जिसमें डी में एंटर करते हैं, जो कल कॉन्फ़िगरेशन करी है आपने, 4 में चौथा कौन रह गया,
वो तो बेटे लैंथेनम स्टार्ट होता है, सिर्फ सीरियम से स्टार्ट होता है ब्लॉक तो। सीरियम, गेंडोलियम और लुटेटियम तीन होते हैं जिसमें डी में एंटर करते हैं, ठीक है जी। लैंथेनम तो बिलोंग ही उसको करता है, उसके बाद लैंथेनम शुरू होता है। हाँ जी आगे आ जाओ बेटे। अमंग लैंथेनॉइड एल एन थर्ड कंपाउंड प्री डोमिनेंट, हाउएवर ओकेजनली इन द सोल्यूशन और इन द सॉलिड कंपाउंड प्लस टू एंड प्लस फोर आर ऑप्टेन्ड। अब इसको फिर मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको, है पेपर से नहीं आ सकते। कहते जी अगर लैंथेनॉइड को हम स्टडी करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, मगर कभी कभी हम प्लस टू और प्लस फोर भी देखते हैं। ऐसा क्यों कल मैंने करवाया ना, सीरियम की केस में, यूरोपियम की केस में, टर्बियम की केस में, या टर्बियम की केस में आप प्लस टू और प्लस फोर भी देखते हो, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, ठीक है। तो आपका आंसर यही है कि वैसे तो ये प्लस थ्री शो करता है, मगर किन केसेस में ये प्लस टू प्लस फोर शो करता है, जब ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड बनना चाहते हैं। समझ आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ है ना। तो ये प्लस फोर और हमने इनकी एक्सेप्शन करी थी प्लस टू शो करते जहां पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड बनते थे, तभी ये प्लस टू और प्लस फोर दिखाते हैं जब इनका इच्छा होगी हम हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन जाएं, अदरवाइज ये प्लस थ्री दिखाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम कर चुके हैं। आपको पता है क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके एस और डी के दोनों के इन्वॉल्व हैं, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए सेकेंड पार्ट भी है इसका। इन थ्री डी सीरीज विच एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, मैग्नीज, ठीक है। थ्री डी फाइव फोर एस टू होता है, सेवन तक शो कर सकता है क्योंकि डी इसका हाफ फील्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आगे सुनो। इन 3D सीरीज विच एलिमेंट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड वाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। दोबारा मैं बोल रही हूँ, कहते हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कितनी एनर्जी चाहिए हमें मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उनको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि किस एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट है। बेटे इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए हायर है क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, उसमें हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इनके जो इंटर मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। हाफ फील्ड होंगे तो आधा एक ऑर्बिटल और दूसरे का आधा ओवरलैप कर जाएगा ना, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि डी कंप्लीटली फील्ड नहीं है। सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है जिंक की, क्योंकि वो 3D10 है, फुली फिल्ड है। समझ आ रही है? तो इट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N-1d एज वेल एज NS इन द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है जी। जिंक की लोएस्ट है, हमें पता है जिंक इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज 3D10 4S2, ओके जी। क्वेश्चन का नोट करो बेटे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अब बुक्स उठाओ, हर बुक में ये क्वेश्चन होगा, कोई भी आप बुक परचेज कर लो मार्केट से, जो पिछले अब आपके टर्म सेकंड आपके लिए बहुत इजी है करनी। क्यों इजी है? क्योंकि अब क्वेश्चन आपके 10 ईयर से ही आने हैं, अब सब्जेक्टिव है तो CBSE भी 10 ईयर से ही उठाएगी, क्वेश्चंस पैट हैं, हमें पता है कि कैसे बनते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हमें कुछ नहीं पता थी, कहाँ से आना है, कैसे आना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाना है, अब तो पता ही है कि अब जो एग्जामिनर सेट करेगा CBSE में बैठा उसको भी पता है उसने कहाँ से डालना। तो आप 10 ईयर्स की उठाओ बुक्स, जो भी मार्केट में आ रही हैं, NCERT एग्जाम्पलर ले लो, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी। NCERT की बैक साइज करो, आपके लिए इजी हो जाएगा, पहले कंसेप्ट समझो पर हर चैप्टर के।
नहीं होने नहीं तो क्वेश्चंस आपसे, ऐसे रट क्रैम करोगे पेपर में भूल जाना है फिर से। हाँ जी, इन द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द ई नॉट वैल्यू इज गिवन। ई नॉट वैल्यू मैं वैसे ही बता देती हूँ बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ई नॉट वैल्यू है ना वो इरेगुलर है। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इरेगुलर क्यों है ई नॉट वैल्यू किसके ऊपर। कल मैंने परसों ही समझाया ई नॉट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ जरा। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन इनथैल्पी और आयोनाइजेशन पे। और बेटे सबसे पहले मेटल को आपने गैस में कन्वर्ट करना है, करना है कि नहीं करना, ई नॉट निकालने के लिए, क्योंकि हम मेटल की बात करें। अगर गैस की बात करते तो हम डिसोसिएशन इनथैल्पी की बात करते, क्योंकि हमारे पास ये सारे मेटल्स हैं। तो इसमें आप सब्लिमेशन एनर्जी की बात करोगे, सब्लिमेशन इनथैल्पी की, कि हमने मेटल को गैस में कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप में। कहाँ है जी, फर्स्ट स्टेप में आपने मेटल को क्या कन्वर्ट करना है, मेटल गैस में। तो आपकी कौन सी इनथैल्पी चाहिए, सब्लिमेशन। फिर उसके बाद आपने इस मेटल गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, जितने भी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन चाहिए, उसके बाद हाइड्रेटेड होगा तब हमारी ई नॉट आएगी। ई नॉट हमेशा तीन चीजों से आती है। ई नॉट अगर आपका नॉन मेटल है तो आप डिसोसिएशन सबसे उठाते हो ऊपर, अगर ई नॉट आपका मेटल है तो सबसे पहले आपकी सब्लिमेशन आ जाती है, क्योंकि हमने गैस में कन्वर्ट करना होता है जी। ठीक है जी, अब क्योंकि पता है आपके कभी हाफ फिल्ड हो जाता है, कभी डी फुली फिल्ड हो जाता है, कभी इसमें तीन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कभी चार आ जाते हैं, कभी पांच आ जाते हैं, तो इसलिए मेटालिक बॉन्ड भी अलग अलग बने हुएंगे। तो सब ई नॉट सब्लिमेशन एनर्जी डिफरेंट होगी सब मेटल्स की, पहली बात। फिर उसके बाद अगर सब्लिमेशन एनर्जी डिफरेंट होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अगेन कभी हाफ फील्ड बन जाते हैं, कभी तीन है, कभी दो है, कभी एक है, क्योंकि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इनथैल्पी या सब्लिमेशन इनथैल्पी ही वेरिएबल है। तो ई नॉट में तो अपने आप वेरिएबल हो जाना है। ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये इनर डी में एंटर कर रहे हैं, डी वन हो रहा है, डी टू हो रहा है, कभी डी हाफ फील्ड हो रहा है, कभी डी में पेयरिंग शुरू हो रही है। तो इरेगुलरिटीज आपकी सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन इनथैल्पी में ही है, इसलिए आपकी इरेगुलरिटीज ई नॉट में आ जाती है। इसके अलावा हाइड्रेशन इनथैल्पी भी है। हम कहते हैं जी कॉपर टू पॉजिटिव की ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो इसके कारण उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। जिन चीजों पे ई नॉट डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हीं चीजों में इरेगुलरिटी है, आप करोगे बिकॉज देयर इज इरेगुलरिटी इन इनथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इनथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, दस देयर इज इरेगुलरिटी इन ई नॉट। समझ आ गई, ये मैंने कल भी करवाया था, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था और ये ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा गया पेपर में। फर्स्ट इज कॉपर टू पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग इन नेचर, व्हाइल द सेम डी ऑर्बिटल कंफिगरेशन मैग्नीज थ्री पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले क्रोमियम है, पहले क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखो। हरी अप, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सामने रखोगे तभी क्वेश्चन होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इसलिए लिखवाई थी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s1 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3d4। समझ आ रही है, 3d4। सेकंड केस किसका लिया इन्होंने, मैग्नीज, मैग्नीज होती है 3d5 4s2, मैग्नीज 3 पॉजिटिव बोल रहे हैं ये, तो क्या हो गया 3d4, दोनों 3d4 हैं। अब ये कह रहे हैं जी क्रोमियम जब 3d4 होता है तब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर मैग्नीज जब 3d4 होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको यहाँ ही क्रोमियम का, दो परसों क्रोमियम कौन सा हाफ फील्ड होता है, इसका T2G हाफ फील्ड होता है, वो होता है CFT थ्योरी में। ये आपकी बेटे डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है जी,
जब डी ऑर्बिटल जब इनके पास कोई लिगेंड आना अप्रोच करना शुरू हो जाता है, ये हायर एनर्जी के बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दो में ब्रेक हो जाते हैं, टी टू जी और ई जी, ठीक है, टी टू जी और ई जी। अब क्रोमियम ने, जिसके पास है ही टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, उसने 3 किसी को देने हैं, 3 देने हैं ना, तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो वो 3 ऐसे तो नहीं देने लगा कि कोई मर्जी आएगा, लेने वाला भी तो शक्तिशाली होना चाहिए। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तभी दिखाएगा जो लेने वाला है, वो भी उससे खींचने की टेंडेंसी रखे। तो जब लेने अटैच होने वाला आएगा तो ये 2 में स्प्लिट हो जाएंगे, टी टू जी में और ई जी में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये 3d4 से इलेक्ट्रॉन दे के 3d3 बन रहा है, तभी तो रिड्यूसिंग इन नेचर है। जब ये 3d3 बन जाता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है। क्रोमियम का अगर केस आए ना, आपके पास एक ही आंसर है, घूम फिर के एक ही आंसर है, टी टू जी हाफ फिल्ड है। समझ आ रही है क्रोमियम का कि रिड्यूसिंग की क्यों है, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि टी टू जी हाफ फील्ड है। वो कॉपर का है, ये क्रोमियम है, ठीक है जी। टी टू जी हाफ फील्ड है इन केस ऑफ क्रोमियम। अगर मैग्नीज का क्वेश्चन आ जाए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, अब 3d4 से ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खुद क्या बन रहा है, 3d5। समझ आ रही है, जो एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज का 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल है, क्रोमियम का t2g हाफ फील्ड स्टेबल है। दोनों के हाफ फील्ड है, डिफरेंट है उनकी ऑर्बिटल नेचर की। वो सिंपल डी, क्योंकि मैग्नीज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, वो 2 ही उसने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 ही, 4s वाले, तो डी उसका हाफ फील्ड है। अगर आप 3 निकालते हो तो उस वो फिर भी दे देगा। समझ आ रही है, क्रोमियम नहीं देगा, क्रोमियम के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए आपको, ठीक है। क्रोमियम का t2g हाफ फील्ड है, मैग्नीज का सिंपल डी हाफ फील्ड है, ओके। और ये भी क्वेश्चन मैंने कल करवाया है, जो नेक्स्ट बोलने जा रही हूँ। इन अ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल, मेटल एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अक्कर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, व्हाई? हाँ, मैग्नीज क्यों? परसों करवाया था, हाँ, क्योंकि मैग्नीज में सबसे ज्यादा डी अनपेयर्ड है, हाफ फील्ड नहीं, सबसे ज्यादा डी अनपेयर्ड है, तो डी वाले भी सारे पार्टिसिपेट कर लेते हैं और एस वाले भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, देयर अकर मोर मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होती है, अभी पीछे की है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर क्यों थी? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी हायर क्यों थी? वही आंसर है आपका, क्योंकि इनके डी अनपेयर्ड है, एस के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। वही को घुमा के इसको इन्होंने इस वे में पूछा है, देयर अकर मच फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। मेटल मेटल बॉन्डिंग क्यों होंगी? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड डी होंगे। समझ आ रही है, क्योंकि देयर पास अनपेयर्ड डी या पार्शली फिल्ड डी, इसलिए इनकी जो ये बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज Mn2 पॉजिटिव, लिसन टू मी केयरफुली, Mn2 पॉजिटिव। अब पहले पिक्चर लेने आनी शुरू कर दो, Mn2 पॉजिटिव मींस 3d5 F4S के निकल चुके हैं, ठीक है जी, इज मच मोर रेजिस्टेंट
then Fe2 positive towards oxidation. Fe2 positive के उसके भी दो निकल चुके हैं पर वो क्या है 3D6. Fe2 positive की अगर oxidation हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपना एक लूज करे तो वो क्या बनेगा 3D5. 3D6 से क्या बन जाएगा 3D5 जो कि क्या है हाफ फील्ड. तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. Mn2 पॉजिटिव तो पहली हाफ फील्ड है वो कि ऑक्सीडेशन करेगा उसको कोई है ना तो वो रेजिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन. ठीक है जी. हाँ कि इसने हाफ फील्ड बनना है वो पहले ही है.